हेलो एंड वेलकम अगेन। फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के और कुछ सुझाव लेकर के, जो ताकि आपकी एंजाइटी जो चल रही है आपके लिए, जो परेशान हो रहे हो बार बार, आप बैठ नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए, और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि बढ़े या ना बढ़े, तो ये दो तीन बातें हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अभी मेरे से नए जुड़ रहे हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नए बच्चे 10th क्लास के आए हैं उनके लिए, जो ICSE के जो बच्चे नए आ रहे हैं आपके पीछे, जो आपके जूनियर हैं, उनको ये चैनल जरूर इंट्रोड्यूस करा के जाइएगा, क्योंकि शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन उनको जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता हूँ टोपोसीट ICSE ज्योग्राफी की और मैप, जो कि काफ़ी रेयर होती है और काफ़ी बच्चों को उसमें परेशानी होती है, 30 मार्क्स ज्योग्राफी में उसके होते हैं। तो मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ और मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर लगातार मैं उस काम करता हूँ, लाइव क्लासेज में लेता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होती है मेरी, सब डाउट्स क्लियर करता हूँ एक एक चीज़ का। काफ़ी सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा जो टोपोसीट और मैप की, तो सब मैप और पूरा सिलेबस आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये काम आप जरूर करिएगा, अपने जूनियर को जरूर इंट्रोड्यूस करवाइएगा। और मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, नेचुरली कल से 1000 बच्चों ने सब्सक्राइब करा, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी तो आप अपने आप ही सब्सक्राइब करोगे, तो मेरे कहने से या ना कहने से कुछ भी नहीं होता है। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं बात करता हूँ अभी की सबसे बड़ी बात। अभी जो है मेरी बात हुई अपने स्कूल की प्रिंसिपल मैम से, और मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई खबर है पीछे से, तो उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, अभी कोई खबर नहीं है, और वो प्लानिंग शायद कर रहे हैं ICSE वाले कि हम 10th को मार्क्स कैसे देंगे अगर कैंसिल करते हैं, तो वो मार्किंग पॉइंट डिस्कस वहाँ पे हो रहा है, नंबर वन। पॉइंट नंबर टू जो है, उन्होंने कहा कि अभी कोई वहाँ से कोई खबर, कोई सीक्रेट या कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो मैंने दूसरा पॉइंट कहा कि बच्चे बहुत मतलब परेशान हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने दूसरी बात कही कि आप उनको बोल दीजिए कि एक हफ्ते का ब्रेक ले लें अच्छे से, बिल्कुल भी पढ़ाई बंद कर दें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही पूछ रहे हैं कि पढ़ें या ना पढ़ें। तो उन्होंने ये बोला मेरे को, और मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि एक हफ्ते तक आप बिल्कुल ब्रेक ले करके सब आराम से बैठिए। और एक हफ्ते की बात यहाँ तक ये है कि एक दो दिन के अंदर जैसे ही ICSE का वो आ जाता है, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जैसा भी होगा वो आप कर लीजिएगा। एक हफ्ते का इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि ये 101% क्लियर है कि 4 मई से एग्जाम नहीं होगा, वो पोस्टपोन तो हो ही रहा है 100%। तो 0.01% अगर ये है कि कैंसिल नहीं होगा ICSE, तो फिर पोस्टपोन तो हो ही जाएगा, उसके अंदर तो कोई वो दो राय नहीं है, तो अभी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा अगर कैंसिल नहीं हुआ तो, और कैंसिल हुआ तो वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अभी एंजाइटी लाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को सेटल करिए, लेकिन घर से बाहर ना निकलिएगा। तो ये चीज़ मैंने हुई। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बार बार ICSE इतना लेट क्यों कर रहा है, ये पता नहीं क्यों, मतलब जो पुरानी ट्यूबलाइट होती थी उससे बिल्कुल उसी की तरह धीरे धीरे जलती है। तो ये बहुत जल्दी है, कम से कम ये डिसीजन, बाकी आप डिसीजन करते रहिए, लेकिन कम से कम मेरे ICSE से ये अनुरोध है कि वो एक चीज़ क्लियर बता दें कि हाँ हमने ये कर लिया है, भाई कैंसिल हो गया या पोस्टपोन जो भी है, तो ताकि बच्चों के पास में वो रिपोर्ट पहुंचे और उनकी एंजाइटी खत्म हो, कन्फ्यूजन दूर हो। बाकी आप डिस्कशन करते रहिए, दो एक दिन के अंदर डिस्कस वो बता दीजिए बाकी चीज़ जो आपके मार्किंग पैटर्न वगैरह, तो ये किया जा सकता है और ICSE को ये करना चाहिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि आमतौर पर पिछली बार आपकी डेट शीट बहुत ज़्यादा लेट हुई, जबकि आप आखिर में जाके आपने काम वही करा CBSE वाला, तो अभी फिर मैं आपको कह रहा हूँ उनको करना वही CBSE वाला काम है, लेकिन वो थोड़ा सा उनकी जो है टाइम जो सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है और टाइम लगता है उनमें काम करने के लिए, तो इसलिए एक दो दिन का टाइम उनको चाहिए, एक दो दिन लग रहा है, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल, और जब तक ये आपके साथ में कन्फ्यूजन है, मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा। आप फोन नंबर मेरा 9335055750 ये मेरा नंबर है, आप कोई भी आपसे पर्सनल क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई परेशानी है, तो आई एम ऑलवेज देयर एज ए काउंसलर, आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि सिर्फ यहाँ पे वीडियो बना दिया और भाग गया, मैं उनके लिए नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ में जुड़ा रहूँगा पर्सनल प्रॉब्लम के लिए या कोई भी काउंसलिंग की आपको जरूरत है। तो आज के लिए यही, इतना ही वीडियो के लिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।